हे गाइस एंड वेलकम टू रॉयल्स फैन टीवी। आज मेरे साथ है अनुज और निकुंज। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की रिटेंशन स्ट्रेटेजी के बारे में जो अभी अनाउंस हो चुकी है, और अब कौन से प्लेयर राजस्थान को टारगेट करने चाहिए। जो हमें लगता है राजस्थान की टीम में आ जाए तो राजस्थान का थोड़ा ऑरा और बढ़ जाए, स्क्वाड थोड़ा और स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि ओवर द ईयर्स वैसी परफॉर्मेंस नहीं आ रही राजस्थान की अभी जो पहले आती थी। तो क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं हमारे हिसाब से नए प्लेयर ऐड करके। सबसे पहले निकुंज से पूछता हूँ, निकुंज रिटेंशन से कितना खुश हो? कोई प्लेयर मिस आउट किया राजस्थान ने या जबरदस्ती किसी को रखने की कोशिश करी, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? शशांक, टू बी फ्रैंक, काफी खुश हूँ रिटेंशन से। बहुत क्लियर माइंडसेट से गए, टॉप थ्री पिक ले लिया है, तो क्लियर है कि फोकस करना है मिडल ऑर्डर, फिनिशर्स और डेथ बॉलर्स पे। तो सही किया जो किया। तीन प्लेयर्स है, जॉस बटलर, संजू सैमसन एंड जयसवाल, T20 के स्पेशलिस्ट प्लेयर्स है और एक स्टेबिलिटी देते हैं और फैन फॉलोइंग भी लाते हैं। तो वेरी हैप्पी एंड एक क्लियर माइंडसेट से उतरेगी अभी ऑक्शन में एंड दे विल गो हैवी। बिल्कुल अनुज, आपको कहीं ऐसा लगा कि जब ओवरसीज को अनकैप को अपन 4 करोड़ में रिटेन कर सकते हैं तो कार्तिक त्यागी या साकरिया में से किसी एक को कर लेना चाहिए था? ओवरऑल कैसे देखते हो उसको? जी, मुझे लगा कि वहां पे थोड़ा सा जो है ना, हमको जो एक कोर डेवलप हो रहा था फास्ट बोलर्स का, चाहे साकरिया हो, कार्तिक त्यागी हो, कम से कम एक तो रिटेन करते कि आपके पास एक बैकअप के तौर पे एक अनकैप प्लेयर के तौर पे कार्तिक त्यागी होता, क्योंकि साकरिया तो इंडिया खेल चुके हैं, आई थिंक वो उस कैटेगरी में जरूर नहीं आ पाते। बट मेरा ये मानना है कि कार्तिक त्यागी को रखना चाहिए था, क्योंकि ये दिक्कत रही है हमारे साथ पहले भी। अगर आप देखें तो वो जो बड़ी मुश्किलों से तो एक और डेवलप हो रहा था, पहले एक टाइम पे जयदेव उनादकट जरूर हुआ करते थे लेकिन उस तरीके से बैकिंग नहीं मिली इस साल अगर हम देखें 2021 में, तो यहाँ मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था। लेकिन एक चीज अच्छी थी कि जयसवाल को रखा, यशस्वी जयसवाल। ये हम चाहते थे कि जब बटलर और जयसवाल का एक ठीक ठाक कॉम्बिनेशन डेवलप हो रहा है तो फिर आप चाहोगे कि यार एक सीजन, दो सीजन या आगे आने वाले जितने भी सीजन खेलने हैं उसमें एक खिलाड़ी रिटेन हो। तो ठीक है, एक एक यंगस्टर फास्ट बॉलर अगर रिटेन करते तो अच्छा होता, लेकिन अभी भी हमारे पास पर्स है तो जब तक हमारे पास एक एक अच्छा खासा अमाउंट मौजूद है तो मेरा मानना है कि हम शायद इनको वापस से परचेज कर सकते हैं, लेकिन आसान नहीं होगा क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस बाकी फ्रेंचाइजी भी देख चुकी है, वो भी होमवर्क करके आएंगी। तो अभी देखते हैं कैसा करता है राजस्थान में ऑक्शन। अब बात करते हैं ऑक्शन की, जो एक टॉपिक रहता है, हम सबको बहुत एक्साइट करता है कि कौन से नए प्लेयर्स आने वाले हैं हमारी टीम में, किसको हम खरीद सकते हैं, इतना ज्यादा पर्स रहता है हमारे पास, इस बार तो अच्छी टीम बन जाए, थोड़ा इंडियन कोर मैं चाहता हूं बने। आपसे पूछता हूं निकुंज, सबसे पहले कौन से कोई 5-7 प्लेयर या फिर कोई भी रैंडम नंबर आप कुछ प्लेयर्स बताइए कि जो आप चाहते हैं राजस्थान वॉयल्स टारगेट करे, चाहे वो इंडियन हो, ओशीज हो, दोनों का मिक्सचर भी सही रहेगा। जैसा कि आपने कहा शशांक, इंडियन कोर, मेरी भी यही टारगेट है कि हमारा राजस्थान रॉयल्स के पास इंडियन प्लेयर्स आए, एक कोर डेवलप हो जो लॉन्ग रन के लिए टिके रहे। सो मैंने कुछ प्लेयर्स को पॉइंट फिगर आउट किया है जो ठीक ठाक कर सकते हैं। सो फर्स्ट, पहला नाम मैं लूंगा मनीष पांडे का, एक इंडियन प्रॉपर बैट्समैन, मिडल ऑर्डर में एट नंबर 4 अलोंग विद संजू सैमसन खेल सकते हैं, पेस करते हैं इनिंग्स। और अभी मनीष पांडे टोटली आउट ऑफ इंडियन मतलब स्कीम ऑफ थिंग्स से नहीं गए, स्टिल देयर इज आउटसाइड चांस वो बैक कर सकते हैं, तो राजस्थान रॉयल्स उनको मौका देगा टू परफॉर्म फ्रीली, एक हैंडल करे मिडल ऑर्डर से लेके फिनिशिंग का भी रोल क्या बोलते हैं यूटिलाइज करे एंड परफॉर्म। यस ही कैन टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और टॉकिंग अबाउट फिनिशर्स, हार्दिक पांड्या वो ऐसा काम कर सकते हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए जो यूसुफ पठान ने 2008 में किया था, गुजरात बड़ौदा से बिलोंग करते हैं और हार्दिक पांड्या भी फॉर्म ढूंढ रहे हैं और एक ऐसी फ्रेंचाइजी ढूंढ रहे हैं जो उनको बैक करे और उनको फ्री फ्रीडम दे टू गो। तो आई थिंक अगर वो 5 नंबर पे हार्दिक पांड्या आते हैं तो ही कैन डू वेल। एक और नाम है कृणाल पांड्या, मे बी पांड्या ब्रदर्स कैन डू वंडर्स राजस्थान रॉयल्स के लिए, तो मैं चाहता हूँ वो भी रहे। और एक स्पिनर जो थोड़ा बैट भी कर सकते हैं, वैसी क्वालिटी होनी चाहिए, तो दैट इज यूजफुल इन T20। और मैं थोड़े स्पेशलिस्ट, मैं बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करूं जहां राजस्थान रॉयल ने काफी लैग किया है पिछले सालों में, जैसा कि अनुज ने कहा था हम लोग डेवलप हो रहे थे, कोर बन रहा था, बट नाउ अगेन वी हैव टू फिर से स्टार्ट करना है। सो कुछ बॉलर जो मेरे माइंड में आ रहे हैं,
टी नटराजन, राजस्थान रॉयल्स का जो प्यार है लेफ्ट आर्म बॉलर्स से, तो मेरा पहला नाम टी नटराजन ही आता है, डेथ स्पेशलिस्ट, गुड बॉलर्स. तो लाइक टी नटराजन, ट्रेंट बोल्ट एंड रबाडा, ये तीन जो वैरायटी लाएंगे फास्ट बॉलिंग में, तो डेथ बॉलिंग भी कवर अप हो जाएगा, स्विंग बॉलिंग भी कवर अप हो जाएगा. हालांकि मानता हूँ बहुत मुश्किल होगा इनको, राजस्थान को हैवी जाना पड़ेगा. एंड स्पिनर्स की बात करो तो रवि अश्विन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और एक लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं राजस्थान में इन कमिंग ईयर्स संगाकारा के साथ. तो रवि अश्विन का एक्सपीरियंस मायने रख सकता है, एंड अलोंग विद कुलदीप यादव. वाई कुलदीप यादव? क्योंकि वो भी एक अभी इंडियन टीम में जगह बनाना चाहते हैं और उनको भी एक ऐसी फ्रेंचाइजी चाहिए जो बैक करे, और T20 में चाइना मैन इज अ ग्रेट एसेट. तो यस, ये मेरे कुछ प्लेयर्स हैं एंड मैं चाहता हूँ इनमें से राजस्थान रॉयल्स 5-6 तो पिक कर ही ले. बिल्कुल, बहुत सारे इंटरेस्टिंग ऑप्शंस लग रहे हैं मुझे, और कुलदीप यादव बहुत एक इंटरेस्टिंग चॉइस लग रहा है. राजस्थान लैक कर रही थी स्पिनिंग डिपार्टमेंट में, और एक इंडियन थोड़ा एक्सपीरियंस स्पिनर मिल जाता है और परफॉर्म वापस आ जाता है तो सबसे बड़ी बात हो जाएगी ये. तो कुलदीप यादव के लिए भी, राजस्थान रॉयल्स के लिए भी. अनुज, आप कैसे देखते हो, आप कौन से प्लेयर्स चाहते हो राजस्थान रॉयल्स टारगेट करें? देखो, मेको तो लग रहा है कि टॉप तीन तो हमारे वही रहेंगे जो कि पहले भी मिलते हुए हैं, जयसवाल, बटलर और सैमसन. अगर हम मिडल ऑर्डर में आते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की कमी नजर आती है. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक इंडियन खिलाड़ी के साथ जाना चाहो तो शायद नितिश राणा एक ऐसा नाम है जो कि बहुत कुछ प्रूव करना चाहेंगे. जो एक एक्सपेक्टेशन उनसे रही है बीते कुछ साल में, उस तरीके से खरे नहीं उतर पाए, बट अब एक नई शुरुआत करनी है तो मुझे ऐसा लगता है कि राणा एक एक ऑप्शन हो सकते हैं. उसी मिडल ऑर्डर में हम अगर बात करें तो आप फिनिशर के तौर पे शाहरुख खान को भी देख सकते हो, जिन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो गई पंजाब किंग्स के लिए जो परफॉर्मेंस दी है. और मेरा ऐसा मानना है कि उनके ऊपर बहुत सारी फ्रेंचाइजीज आएंगी, लेकिन अगर हम भी कुछ अगर उनमें इन्वेस्ट करते हैं तो बुरा चॉइस नहीं होंगे. तो अंबाती राइडू भी हो गए, आई थिंक उनको हम नहीं भूल सकते. ज्यादा साल खेलेंगे नहीं खेलेंगे इस पर डाउट है, बट फिर भी आने वाले 2-3 साल अभी भी मुझे लगता है कि उनमें क्रिकेट बाकी है, फिटनेस ठीक ठाक है. ऐसा भी नहीं है कि आपको एक 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 वल्नरेबल वो साबित हो सकते हैं फील्ड में. अच्छे खासे फॉर्म के साथ नजर आए थे चेन्नई के लिए, तो एक खिलाड़ी वो भी मुझे नजर आते हैं. और उसको स्ट्रेंथन करना है तो फिर आप दिल्ली कैपिटल्स की तरफ जाइए, शिवनाथ हेटमायर को भी ले सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारी एक सबसे बड़ी दिक्कत रही है ना कि वो फायर पार है तो सही लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं आ रहा था, चाहे पराग हो चाहे तेवतिया हो. तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि इनको देखा जा सकता है. और एक ऐसा खिलाड़ी, अब देखो राजस्थान की टीम है तो राजस्थान का फ्लेवर होना चाहिए ना, तो रवि बिश्नोई को लाओ यार. मैं तो ये चाहता हूँ कि रवि बिश्नोई एज एन स्पिनर, लेग स्पिनर, क्योंकि थे तो हमारे पास काफी मयंक मरकांडे हो, श्रेयस गोपाल हो, लेकिन आदि के दोनों ने कुल मिला के मुझे नहीं लगता है कि 10 मैचेस भी खेले होंगे बीते कुछ 2-3 सालों में. तो मैं जरूर देखना चाहूंगा कि एक राजस्थानी फ्लेवर नजर आए रवि बिश्नोई के तौर पे. फास्ट बोलर्स में आई थिंक अवेश खान एक ऐसा नाम है जिसने बहुत नाम कमाया बीते कुछ तकरीबन 6 महीनों में, और शिवम मावी आई थिंक इनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो. नागरकोटी भी राजस्थान से आते हैं, लेकिन कितने फिट वो हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि केकेआर हो गया, राजस्थान की रणजी टीम होगी, बहुत कम नजर आते हैं वो खेलते हुए. तो ये कुछ प्लेयर्स हैं, कुछ कॉम्बिनेशन मुझे लगता है कि टीम टेस्ट कर सकती है. जैसे निकुंज ने भी बोला है कि ऑलराउंडर्स भी हमें चाहिए, और ऐसे में मुझे लगता है कि एक खिलाड़ी जो मैं भी मिस कर रहा था लेकिन मुझे याद आ गए, वो है सैम करन. सैम करन को आप जरूर लीजिए यार. सैम करन जिस तरीके से सीएसके ने उन्हें बैक किया है, धोनी की कप्तानी में काफी कुछ उन्होंने सीखा और उन्होंने खुद भी बोला है. और स्पिनर्स में अगर मैं बात करूं तो अश्विन का नाम निकुंज ने लिया है, मैं चाहूंगा कि वॉशिंगटन सुंदर एक एक ऐसा नाम बने जिनपे टीम दाव लगा सकती है. आरसीबी जाएगा, आरसीबी उनको लेने के लिए बिल्कुल जाएगा, लेकिन अब हमें स्ट्रेंथ उनको बनाना होगा जो हमारी वीकनेस थी, जो दिक्कत रही थी ना, हम वेट कर रहे थे कि कब मैग ऑक्शन आएगा, कब हम वो खिलाड़ी लेके आएंगे जो हमें चाहिए. तो ये कुछ नाम है यार मेरे हिसाब से जो कि टीम जरूर देख सकती है इन द अपकमिंग मैग ऑक्शन. और राजस्थान से कुछ खास लगाव भी रहा है इंग्लिश प्लेयर से, तो सैम करन को जरूर टारगेट करेगी और करना भी चाहिए. मुझे भी काफी इंग्लिश फैक्टर आ गया ना, इंग्लिश फैक्टर मुझे भी काफी पसंदीदा प्लेयर है पर्सनली. मैं अपने पिक्स से फटाफट बताता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. तो मैं सबसे पहले देखता हूँ ईशान किशन को, कि अगर वो किसी तरीके से स्पेशल पिक से
बच जाएं तो राजस्थान ले ही ले उनको, क्योंकि वो आई थिंक मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं, ओपनिंग में खेल सकते हैं, और कहीं ना कहीं सैमसन के साथ भी अच्छी पार्टनरशिप हो सकती है। ऐसा नहीं है कि दिनेश कार्तिक एम एस धोनी साथ नहीं खेले या रॉबिन उथप्पा धोनी साथ नहीं खेले, खेल सकते हैं, ये भी खेल सकते हैं, ये क्यों नहीं खेल सकते। तो ऐसा मैं चाहता हूं कि ईशान किशन, संजू सैमसन साथ में खेले, और एक बेन स्टोक्स मिसिंग है अब इस टीम से, तो मैं नहीं चाहता वापस उनको बाय बाय करें। तो मैं सोचता हूँ कि मिचेल मार्श एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि बहुत अच्छे परफॉर्मेंस थी उनकी वो इस वाले वर्ल्ड कप में, तो वह उनको देख सकते हैं। साथ ही साथ जेसन होल्डर, अगर मिचेल मार्श नहीं तो, क्योंकि वो थोड़े बॉलिंग ऑलराउंडर में आ जाते हैं होल्डर, मिचेल मार्श बैटिंग ऑलराउंडर में आ जाते हैं, पर ये कहीं ना कहीं दोनों यूजफुल प्लेयर्स है, दोनों साथ में मिल जाए तो बहुत अच्छी डील हो जाए, बट अगर दोनों नहीं मिलते तो कोई एक भी बहुत अच्छा है। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में भाई मेरे को एक प्लेयर जिसे आप सबने कहा, मुझे भी एक प्लेयर लगता है, निकोलस पुरन पे मैं अपनी बेट प्लेस करना चाहूंगा, क्योंकि निकोलस पुरन कर सकते हैं, वो फॉर्म अच्छा नहीं रहा है लेकिन कर सकते हैं, और मेरे को कहीं ना कहीं लगता है वो लीडरशिप ग्रुप में भी आ सकते हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज की भी कैप्टेंसी करते हुए देखता हूँ आजकल उनको मैं, तो थोड़ा वो ऐड अप कर सकते हैं। फिर राजस्थान फ्लेवर, जो कि मैं भी ऐड करना चाहता हूँ अनुज की तरह, मैंने चार राजस्थान के प्लेयर ले लिए, कोई तो ले लेना, अभी मेरे को चार जो ही अच्छे लगते हैं। खलील अहमद का नाम लेना चाहूंगा, लेफ्ट आर्म पेसर, राजस्थान का लेफ्ट आर्म पेसर पसंद ही है, साकरिया अगर वापस नहीं आ पाए तो खलील अहमद अच्छा ऑप्शन होगा। कमलेश नागरकोटी जयपुर से ही है, राजस्थान के लिए खेलेंगे, SMS ग्राउंड काफी अच्छे से जानते हैं, तो वहां उनको काफी हेल्प मिल सकती है मुझे ऐसा लगता है। और दोनों चाहर ब्रदर्स, राहुल चहर, दीपक चहर, फास्ट बॉलिंग सॉर्टेड हो जाती है, स्विंग बॉलिंग सॉर्टेड हो जाती है, स्पिन सॉर्टेड हो जाती है, राजस्थान में सब कुछ है, आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है अभी। और एक प्लेयर और मैं देखना चाहता हूँ कि शायद टारगेट कर ले, हर्षल पटेल, काफी अच्छा फॉर्म रहा और काफी टीमें जाएंगी, बट स्टिल अगर कहीं ना कहीं आप मैनेज कर पाते हो अपने पर्स को और आपको हर्षल पटेल मिल जाते हैं, तो ये एक अच्छे प्लेयर बन सकते हैं आपके लिए आने वाले एक नेक्स्ट मेगा ऑक्शन तक एटलीस्ट। तो ये भी मेरे कुछ पिक्स थे, बाकी थैंक यू अनुज एंड निकुंज फॉर ज्वाइनिंग। आई थिंक राजस्थान को कुछ तो ले लेना चाहिए इनमें से जो हमने सजेशन दिए, कम से कम अपने 25-30 प्लेयर के सजेशन दे दिए, कुछ अगर ले ले तो काफी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड बन सकता है राजस्थान का। बस यही था इस वीडियो के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू, टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग रॉयल्स फैन टीवी।